जोहार साथियों, मैं सुदेश सर के साथ। आज लोगों के मन में सवाल आ रही है कि सहायक पुलिसकर्मी क्या है, तो ये रघुवर दास के कार्यकाल में सहायक पुलिस का बहाल किया गया था, जो 3 साल सेवा देने के बाद सहायक पुलिसकर्मियों को अस्थायी करने का वादा किया गया था, लेकिन रघुवर दास का सरकार नहीं बनने के चलते आज सहायक पुलिसकर्मियों को अस्थायी नहीं कर पा रहे हैं। और 7 साल सेवा देने के बाद सहायक पुलिसकर्मियों को ना ही उसका सैलरी बढ़ाया गया है, तो लगातार सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं और अपने अस्थायी का मांग कर रहे हैं और सरकार से अपने सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और हमारे जो सहायक पुलिसकर्मी है, 7 साल सेवा देने के बाद उसका उम्र सीमा भी बढ़ चुका है। इसमें बेहद ही दुख की बात है कि इसमें सरकार को उम्र सीमा भी बढ़ानी चाहिए। और आज लगातार रांची में आंदोलन कर रहे हैं हमारे सहायक पुलिसकर्मी, इसमें से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है, जिसमें कुछ साथियों को जख्मी भी किया गया है, तो सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। और सरकार जो सहायक पुलिसकर्मी 7 साल झारखंड में सेवा दिए हैं, तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसके सैलरी और उम्र सीमा को बढ़ाया जाए और ऐसे सहायक पुलिसकर्मी को आप दोबारा फिर अपने ड्यूटी पर वापस आने के लिए आश्वासन दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं सुधीर सर सच के साथ। जय हिंद।